मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। और जी अभी सुबह का टाइम हो चुका है, तो अभी हम जा रहे हैं जगराते में। वैसे तो हम आ गए थे रात के टाइम, 3:30 बजे आ गए थे, और अभी जो है कथा चल रही है। सुबह ही नारियल चढ़ाए जाएंगे, वहाँ पे प्रसाद होता है जो, और बबली दीदी है पीछे लेके आ रही जो सारा सामान है। कहाँ को है अर्नी का माता दी, अर्नी कर दी भाई अग्गे तो चीज मिलेगी। हाँ चीज मिलेगी, और सुबह के 6 बजे हैं। तो चलिए जी अभी आपको दर्शन करा देते हैं माता रानी के सामने से जाकर। और जी अभी यहाँ पे नारियल का प्रसाद चढ़ाया जाएगा, चलो। ये नारियल दे भाई, मेरा वाला निकाल लो दीदी इसमें। क्या नहीं, मैं अपने हाथ से चढ़ाऊंगी। क्या करना तो जी यहाँ पे सुबह के 8 बज चुके थे, और यहाँ पे सभी जो कथा सुनते हैं, जो रुक्मणी और तारा की कथा होती है, उससे ही जो जागरण होता है पूरा होता है, वरना उस कथा के बिना अधूरा रहता है। तो हमने यहाँ पे वो कथा सुन ली थी, क्योंकि रात के टाइम जागरण देखने के बाद हम नहा के और फिर नारियल लेके आए थे, तो फिर यहाँ पे चढ़ाया है, हमने आपको दिखाया है। और अभी बबली दीदी मुझे बोल रही थी कि चलो थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेते हैं, यहाँ पे आरती कर रहे हैं सभी खड़े होके। वैसे डब्बों में बजी जो डीजे है उसमें बजी थी, काफ़ी तेज साउंड था, तो हमने सोचा कि चलो इसे म्यूट करके थोड़ी सी वॉइस लगा देते हैं, आपको बता देते हैं कि यहाँ पे क्या हो रखा है। और यहाँ पे देख कितनी ज़्यादा जनता है, पूरे सभी नहा के दोबारा से आए हैं। और हमने तो सूट डाल लिया था, पहले मैंने साड़ी पहनी थी, फिर सूट डाल लेते थे। अर्णिका के साथ में कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, वैसे रात को सुलाया, फिर पिन विन सब खुल गया दूध पिलाने के बाद, तो फिर मैं सूट ही चेंज करके आ गई थी रात के टाइम। तो यहाँ पे आपको माता रानी के दर्शन करा दिए हैं, जागरण भी दिखा दिया है। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको यहाँ पे
माता रानी का जागरण कैसा लगा, और अर्णिका का भी हमने टीका लगवाया हुआ है। और ये रात को बहुत लेट सोई थी, और पता ही है आपको बच्चा जाग लेता है बड़ों से ज़्यादा, हल्की बड़ों की नींद आ जाती है, लेकिन बच्चे नए होते हैं ना जो जल्दी जाग लेते हैं। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या च दमनम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव। थोड़ा पच पच कदम पीछे हट जाओ, कन्याओं को बिठा लो। हाँ, पच पच कदम पीछे हट के कन्याओं को बिठा लो। नौ कन्याएं बोल रही। अभी चलने का हो चुका है हमारा टाइम, और अर्णिका तैयार हो चुकी है। हम तो सुबह ही गए थे क्योंकि पूजा करने के लिए गए थे ना जब आरती थी ना, तो पापा तो दिए चल चलो बाय बाय करो, बाय बाय करियो। और कन्नू का जो है ये बाइक है इसकी, इसकी रखती है, इसके जो बटन दबाती है और इसमें गाने बजते हैं जैसे इसके गाड़ी में बजते हैं। चलो और जी अभी बबली दीदी अभी तैयार हो चुकी है जाने के लिए। हम तो सबको लेके चलाएं, कभी कोई रह जाए आज। और अभी अंशी जो है काम कर रही है, झाड़ू वाड़ू लगा रही है, क्योंकि मेहमानों के जाने के बाद झाड़ू नहीं लगती ना। तो हाँ, तो अभी हर उसको क्या क्या पसंद आ गया बेटा, क्या क्या आया पसंद, लेके चला कर है इतने खिलौने होने के बाद भी। ये वाली पसंद है। हाँ तो चलिए ले लिए। हाँ और बाकी की मेरे पास बहुत सारी है, फिर भी कल फिर तो और सारी हो जाएगी। हाँ और भी हो जाएगी तो वाला वाला। चलो फिर हमारी हो चुकी है चलने की तैयारी। तो ये देखिए यहाँ पे वानिका सो रही है शायद, अभी वानिका को डिस्टर्ब नहीं करती वो। रात तो सोई वैसे वहाँ बबली दीदी झूठ बोल रहा है, हमें रात को जगा हुआ। जैसे बबली दीदी का होती है, मैंने कहा कहीं नहीं तो सो है, बबली दीदी तो सो है तो कहीं भी नहीं जगाती रात को। तो जी सुबह सुबह हो गई है चलने की तैयारी सबकी, हम हो चुके हैं रेडी, सब रेडी है और 9 बज चुके हैं। चले चलते हैं भाई, पहले हमारी वाली है, पहले हम निकलेंगे जब भी वे निकलेंगे। और जी अभी हम चल दिए हैं, बैग हमारा बंद चुका है और वे आने लग रही है। आरुष आ जाओ बेटा, चलो हमारे साथ चलियो। हाँ। नहीं इसे बंदूक दे दियो जाके दीदी घर। चलो वहाँ से ना मेला लग रहा है, वहाँ से मेले में से दिलवाओगे इसे दीदी। अच्छे नमस्ते, आइयो जरूर जल्दी आइयो दीदी, आप भी आइयो, आप तो उधर भी जाओ निकल के, आप भी आइयो। अच्छा जी बाय बाय। चलो हाँ नहीं आ जाइयो दीदी आप तो। और जी अभी सभी चल दिए हैं और उसको जबरदस्ती बिठा रहे हैं। बैग में चल रही है चोरी। कन्नू तो अभी हम चल दिए हैं, बबली दीदी और पीछे आ रही है। फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं घर, अभी आए हैं जस्ट, और आते ही लग चुके हैं अपने अपने काम में। वन खाना लगाने के लिए बैग खोल दिए है, यहाँ पे रखे हुए है। और ये जनाब इनको चाहिए थे बब्बा, और ये बब्बा के पास में आ गया है और ये खाना खा रहा है। अब ये देखिए आप, अब ये खा लिया वैसे तो, मगर फुल हो लिया अब जाए। किसी के हाथ से नहीं खाती, जिस तरह इनके पास में बैठ के खा ले खाना है बस।
हरणिका हरणिका कहाँ है बब्बा? बब्बा छग्गे का खरा भाई। और मामी जी बैठी हुई है इधर आराम फरमा रही है। तो प्रसाद आया है तो इसको खोलिए और सबको दीजिए आराम से। चाचा को दे देना और वंदना का है फास्ट, वो अपना फास्ट कराना कुछ भी। और चलिए चलते हैं रसोई में। चाचा भी नहीं आएंगे अब तक? चाय, ओहो आते चाय। हमने ये खाओगी?